हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल आमिर बर्ड आईवीरी में। आज का वीडियो कोकाटेल की ब्रीडिंग अपडेट देने वाला हूं। उसी के साथ में हमें ब्रीडिंग के सीज़न के अंदर कौन सी डाइट देनी है अपने बर्ड्स को, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं ब्रीडिंग टिप्स भी देने वाला हूं। और गर्मियों के अंदर हमें अगर ब्रीड लेनी है बर्ड से तो किस तरह हम ले सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले ये मेरी फर्स्ट वाली पेयर, इसके अंदर ये वाइट फेस ग्रे के अंदर फीमेल है और ये पाइड वाला जो है मेल है। इनकी भी ब्रीडिंग अपडेट देता हूँ आपको। इस वाली पेयर की भी एग लेइंग आ चुकी है और माशाल्लाह से इस पेयर का, इस सीज़न का ये पांचवा क्लच है। उसके बाद ये वाली पेयर, इसके अंदर ये एल्बिनो का मेल है और ये पर्ल पाइड की फीमेल है। जो व्यूवर्स जो हैं नए वीडियो देख रहे हैं, यानी पहली बार जो देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि जो ये पैच वाली फीमेल है ये स्प्लिट वाइट फेस सीरीज़ है, यानी पैचलेस में से आई है। उसकी वजह से मैंने ये पेयरिंग की है और इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह हर एक क्लच के अंदर बेहतरीन रिज़ल्ट होता है इस पेयर का। इस टाइम चार चिक्स निकाले हैं इस पेयर ने, दो चिक्स एल्बिनो हैं और दो जो हैं पर्ल पाइड। और पेयर जो है प्रॉपर फीडिंग भी करा रही है अपने चिक्स को, फुल हेल्दी और एक्टिव हैं चिक्स पूरे के पूरे। आप देख लो माशाल्लाह पूरे बेहतरीन क्वालिटी के अंदर हैं पूरे के पूरे चिक्स, अच्छे साइज़ के अंदर। चारों के चारों चिक्स की कंडीशन उसी तरह है, ना कोई चिक्स, यानी पूरे के पूरे हेल्दी और एक्टिव हैं पूरे चिक्स। उसके बाद इस वाली पेयर के अंदर ये पर्ल पाइड का जो है मेल है और इसके अंदर एल्बिनो की फीमेल है, फीमेल अभी शायद बॉक्स के अंदर होगी। इस पेयर ने भी क्लच निकाले हैं मेरे पास, ये फर्स्ट क्लच है। इससे पहले एग लेइंग की थी लेकिन प्रॉब्लम आने की वजह से एक्सपायर हो गए थे चिक्स, डेड इन शेल हो गए थे। ये फीमेल है और ये दो चिक्स जो हैं एल्बिनो के निकले हैं इस वाली पेयर के। माशाल्लाह पेयर अपने चिक्स को अच्छी तरह से फीडिंग भी करा रही है और ये फर्स्ट टाइम क्लच है इस पेयर का। मैंने जगह चेंज की है इस पेयर की। उसके बाद इस वाली पेयर ने भी मेरे पास इससे पहले ब्रीड की है, यानी पिछले क्लच वगैरह निकाले हैं। इस पेयर के पहले दो क्लच जो हैं ख़राब हो गए, उसके बाद ये वाला क्लच जो है वापस चिक्स निकला है। अभी हैचिंग स्टार्ट है इस पेयर की, अभी पहला ही चिक्स आया है। आपको चिक्स भी दिखाता हूँ, माशाल्लाह निकले हुए दो या तीन ही दिन हुए हैं। उसके बाद और एक भी बचे हैं, और डायरेक्ट सनलाइट इस बॉक्स के ऊपर आती है, उसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लगाया है। यानी बॉक्स के अंदर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, उसके वजह से इस टाइप में मैं कपड़ा लगाता हूँ। यानी डायरेक्ट बॉक्स के ऊपर कोई भी सनलाइट नहीं पड़ती और डेड इन शेल का भी प्रॉब्लम नहीं आता और टेम्परेचर भी बढ़ नहीं जाता। उसके बाद इस केज के अंदर मैंने अपने बजीज के पट्टे रखे हैं पूरे, और जो मेरे कोकाटेल के पुराने क्लच के चिक्स वगैरह हैं उन्हें पूरा रखा है। और इस केज की साइज़ जो है 2 फीट बाय 2 फीट और लंबाई के अंदर 4 फीट, ये साइज़ है।
और ये बजीज के चिक्स की आप क्वालिटी भी देख लो, माशाल्लाह बेहतरीन कलर के अंदर हैं पूरे के पूरे चिक्स। और ये पूरे दो चिक्स यानी दो पेयर के ही चिक्स हैं टोटल पूरे के पूरे। अभी बजीज भी मैं ब्रीडिंग पर से अभी हटाऊंगा, यानी कुछ पेयर ने ब्रीड की है उनके चिक्स निकले हैं और कुछ पेयर ने एक ख़राब कर दिए, तो मैं अभी रेस्ट दूंगा तमाम बर्ड्स को मेरे। जैसे जैसे हर कोई बर्ड ब्रीडिंग पर से खाली होगा तो मैं ब्रीडिंग पर से हटाऊंगा तमाम बर्ड्स को, उसके बाद आपको आगे के ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ। उसके बाद ये मेरी फर्स्ट वाली पेयर यानी मेरे बर्ड सेटअप की पहली कोकाटेल की पेयर, माशाल्लाह इसने भी अभी चार चिक्स हैं इनके पास। एक चिक्स जो है ग्रे कलर में है और बाकी तीन जो है लुटिनो के अंदर हैं, और पेयर प्रॉपर तरीके से फीडिंग भी करा रही है अपने चिक्स को। और गर्मियों के अंदर अपने ब्रीडिंग बॉक्स का जो डोर होता है उसे पूरी तरह कवर नहीं करना है, थोड़ा सा खुला रखना है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉक्स के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्ड हफने के वगैरह चांसेस होते हैं, और कभी कभार चिक्स जो हैं एक्सपायर भी हो जाते हैं और बड़े बर्ड भी एक्सपायर हो जाते हैं। कभी कभार पेयर भी और चिक्स भी एक्सपायर हो जाते हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। उसके बाद इस वाली पेयर ने भी दो चिक्स निकाले हैं, एक जो है लुटिनो का है और एक ग्रे में है। ग्रे का चिक्स का थोड़ा पेयर में प्रॉब्लम आ चुका है, यानी एक पेयर जो है यानी टेढ़ा हो चुका है उस बर्ड का, यानी जब पैदा हुआ था तब से ये प्रॉब्लम है। मैंने भी तब ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं की थी थोड़ा काम की वजह से। माशाल्लाह इसके भी दोनों चिक्स सेल पर आने के नज़दीक हैं और इनका भी बॉक्स भी क्लीन करना है मुझे, बहुत डर्टी हो चुका है। उसके साथ में ये लास्ट वाली पेयर, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इस पेयर ने ब्रीड की है, यानी इस पेयर का मेरे पास ये सेकंड क्लच है और सेकंड क्लच में ज़बरदस्त यानी चार चिक्स को निकाला है इस पेयर ने। आपको चिक्स की हेल्थ ग्रोथ दिखाता हूँ, माशाल्लाह चारों के चारों चिक्स को अच्छी तरह से फीडिंग करा रही है पेयर, और मार्किंग में आएगा ये सेडल बैक मार्किंग के अंदर आएगा चिक्स, पूरा फेस भी क्लियर है इसका। इसी टाइप के अंदर चारों चिक्स हैं इस पेयर के। ये वाला फर्स्ट वाला हो गया, उसके बाद ये सेकंड चिक्स, ये थर्ड वाला चिक्स, ये वाला शायद फॉन कलर के अंदर आएगा, और ये सब में लास्ट वाला। टोटल इस पेयर ने चार चिक्स निकाले हैं, माशाल्लाह आखिरी सीज़न के अंदर यानी सीज़न का जो आखिरी मेरा ये क्लच है इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन ब्रीड है मेरे पास। ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।